हरे कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 44 ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक, इंग्लिश एसेंशियल। टुडे वी विल डू द रिमेनिंग एक्सरसाइजेस ऑफ योर चैप्टर नंबर 7। एक्सरसाइज पार्टी, राइट द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइंड बाय राइटिंग अन बिफोर देम। आपको यहाँ नीचे कुछ वर्ड्स गिवन हैं, हमें इनके अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स यहाँ इनके सामने लिखने हैं, यू एन अन का यूज़ करते हुए। साथ ही हम ये देखेंगे कि हमें इन सब में करेक्ट आर्टिकल का भी यूज़ करना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अ आर्टिकल, ए आर्टिकल कहाँ लगाया जाता है और एन आर्टिकल का यूज़ कहाँ किया जाता है। जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहाँ पर ए का यूज़ होता है, और वोवेल साउंड के साथ हमेशा एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अ हैप्पी बॉय, इसका अपोजिट मीनिंग का वर्ड क्या होगा? अनहैप्पी बॉय। और अनहैप्पी, यहाँ पर क्या आर्टिकल यूज़ होगा? एन, एन अनहैप्पी बॉय। अ लकी डे, अपोजिट मीनिंग होगा एन अनलकी डे। अ राइप मैंगो, एन अनराइप मैंगो। अ टिडी और अ टाइडी रूम, एन अनटाइडी रूम। अ वाइज एक्शन, एन अनवाइज एक्शन। अ नोन पर्सन, एन अननोन पर्सन। ओके, तो यहाँ पर हमने यू एन अन का यूज करते हुए इन सबके अपोजिट वर्ड लिखने हैं हमको। इसके आगे का पार्ट देखेंगे, क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज एफ। द टॉर्टोइस एस्केप्ड फ्रॉम द लेपर्ड। द टॉर्टोइस एस्केप्ड फ्रॉम द लेपर्ड। आफ्टर मैनी डेज शी मेड द फॉक्स। हियर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन देम, फिल इन द मिसिंग पार्ट्स। लेसन में हमने रीड किया था कि जो टॉर्टोइस था वो लेपर्ड से बच गया था। आफ्टर मैनी डेज, बहुत दिनों के बाद, शी मेड द फॉक्स, वह फॉक्स लोमड़ी से मिला, और उनके बीच का जो कन्वर्सेशन था वो आपको यहाँ पर गिवन है। हमें यहाँ पर इन फिलअप्स में जो इनके कन्वर्सेशन का मिसिंग पार्ट था वो फिल करना है। द फॉक्स, वी हैवंट मेट फॉर मैनी डेज, हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। द टॉर्टोइस, आई वॉज हाइडिंग एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, आई वॉज एफ्रेड। हमने लेसन में रीड किया था कि जो कछुआ था वो पॉन्ड के, तालाब के बॉटम में चला गया था और कई दिनों तक वहाँ से बाहर नहीं आया था। जब आप लेसन को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको इनके मिसिंग पार्ट्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। आई वॉज हाइडिंग एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, आई वॉज एफ्रेड, मैं डर गया था इसलिए मैं तालाब के बॉटम में या तालाब की सतह में, हाइड मतलब छिप जाना, छिपा हुआ था। द फॉक्स, आई मिस्ड यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन, और मैं तुम्हें फिर से देख करके बहुत खुश हूँ। द टॉर्टोइस, सो एम आई, मैं भी, थैंक यू फॉर सेविंग मी, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। द फॉक्स, द लेपर्ड वॉज फुलिश, वाजंट ही, जो लेपर्ड था वो मूर्ख था इसलिए वह नहीं कर सका। द टॉर्टोइस, ही वॉज रियली फुलिश, फुलिश मतलब मूर्ख, हाँ वह सच में बहुत मूर्ख था, बट नेक्स्ट टाइम वी मे, बट नेक्स्ट टाइम वी मे नॉट बी सो लकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है कि हम, हो सकता है अगली बार जब ऐसा हो तो हम इतने लकी ना हो। द फॉक्स, आई एग्री, मैं भी सहमत हूँ। वी मस्ट ऑलवेज, फॉक्स ने क्या कहा, आई एग्री, मैं भी एग्री हूँ,
वी मस्ट ऑलवेज बी वेरी केयरफुल, हमें हमेशा ही बहुत केयरफुल, बहुत सावधानी से रहना चाहिए। इस एक्सरसाइज को आप बुक में ही सॉल्व करेंगे। आज आपकी चैप्टर नंबर 7 की जो सारी एक्सरसाइजेस थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। ओके, हरे कृष्णा, बाय फॉर नाउ।